हेलो स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें एक चैप्टर की कमी है जिसके बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं वो है अमाल कमीशन तो आज के इस लेक्चर से हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं ताकि वे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो हमारी प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट हो जाए ठीक है सो so, देखिए यहाँ पर अमाल कमीशन इसके ऊपर सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो आपका लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बिना आप ये अमाल गमेशन चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं सकते तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 14. लेकिन अभी इसके ऊपर जो है लग गया है इन इंद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो न्यू आए हैं वो है 103. तो अब हम कौन सा सर करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन के हिसाब से करें या इन डे वन जीरो के हिसाब से करें तो आपको अभी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन के हिसाब से ही करना है क्योंकि इनडेस वन जीरो थ्री और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन में फोर्टीन में ए एस फोर्टीन में और इंडिया में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसलिए आपको अभी इसी के हिसाब से चलना है हाँ यह होगा कि अमालगमेशन का अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है लेकिन यहां पर इन डी एस वन जीरो थ्री के अंदर अमालगमेशन को बिजनेस कॉम्बिनेशन नाम से भी बोला गया है बिजनेस कॉम्बिनेशन तो अगर आपके क्वेश्चन में बिजनेस कॉम्बिनेशन नाम की चीज आ जाए या आपके सिलेबस के अंदर बिजनेस कॉम्बिनेशन नाम का टॉपिक दे रखा है तो इसका मतलब वो अमालगमेशन ही है और कुछ भी नहीं है ओके ठीक अब आप बात करते हैं हम अमालगमेशन होता क्या है वॉट इज का मतलब होता है जब कोई एक या एक से ज्यादा कंपनी किसी और कंपनी में इंक्लूड हो जाती है तो उसे अमाल गमीशन बोलते हैं मतलब कुछ कंपनीज का बिजनेस कोई और कंपनी जो है उसके अंदर अपने अंदर शामिल कर रही है यानी कि दो कंपनियों का या तो मिलान हो रहा है नई कंपनी बन रही है या दो कंपनियां खत्म होकर कोई पहले से ही एग्जिस्टिंग कंपनी उन दोनों कंपनी के बिजनेस को खरीद लेती है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं देखिए उससे आपको समझ में आएगा फॉर एग्जाम्पल के लिए अमाल गमीशन मान लेते हैं दो पुरानी कंपनी है जो खत्म हो रही है ठीक है एक है कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड और एक का नाम है वाई लिमिटेड ये दोनों कंपनीज हैं और ये दोनों कंपनी खत्म हो करके ये दोनों कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है इनका वाइंडिंग अप हो रहा है और इसकी जगह एक नई कंपनी बन रही है लिक्विडेशन के बाद में भी करते हैं कुछ डायरेक्ट उसके अंदर शामिल भी हो जाती है तो इन दोनों कंपनियों को खत्म करना है इसकी जगह एक नई कंपनी बन रही है न्यू कंपनी तो वो जो न्यू कंपनी है उसका नाम रख देते हैं मान लेते हैं जेड लिमिटेड ठीक है तो ये एक अमाल का टाइप है ठीक है अब इसमें जो ये कंपनीज हैं ये है या ये है इनको बोला जाता है ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरर कंपनी और ये जो कंपनी है न्यू वाली है ना जो न्यू कंपनी है जिसने इन दोनों का बिजनेस अपने अंदर ले लिया न्यू कंपनी है पहले नहीं थी उसको बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरी कंपनी अब आप बोलोगे सर जरूरी है क्या कोई दो कंपनी टूट के एक नई कंपनी बने नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है हो सकता है एक्स लिमिटेड खत्म हो गई और उसकी जगह एक नई कंपनी बना दी जेड लिमिटेड एक्स लिमिटेड के सारा बिजनेस सारी एसेट सारी जेड लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी या कोई दो कंपनियों की खत्म करके उनकी सारी एसेट लाइबिलिटी जो है न्यू कंपनी में ट्रांसफर कर दी इसको अमाल कमीशन बोलते हैं ठीक है या फिर ऐसा भी हो सकता है मान लेते हैं यहां पर एक है एक्स लिमिटेड एक है वाई लिमिटेड इन दोनों कंपनियों को हम खत्म कर रहे हैं और एक पहले से ही एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसका नाम है एक्स वाई लिमिटेड पहले से ही है बस इन दोनों कंपनियों के बिजनेसिस को इसमें ट्रांसफर कर दिया तो ये दो, ये होगी ट्रांसफरर कंपनी ये भी ट्रांसफर कंपनी ये होगी ट्रांसफर ही कंपनी ओके अमाल निर्मेशन क्यों किया जाता है समझ में तो आ गया क्या होता है कि भाई ठीक है एक कंपनी जो है किसी दूसरी दुसरी दुसरी कंपनी में शामिल हो रही है या तो नई कंपनी में या एग्जिस्टिंग कंपनी में एक या एक से ज्यादा कंपनीज भी हो सकती है किसी दूसरी एग्जिस्टिंग या न्यू कंपनी में शामिल हो रही है यानी उनका बिजनेस पूरा उधर ट्रांसफर हो रहा है जो कंपनी खत्म हो रही है उसको ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं और जो नई कंपनी है जो उनका पूरा बिजनेस एक्वायर कर रही है उसको ट्रांसफर री कंपनी बोला जाता है ओके okay. अब ऐसा क्यों करती है चलने दो ना एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड को क्यों इनको खत्म किया जाता है और किसी न्यू कंपनी का या किसी दूसरी कंपनी में इनके बिजनेस को क्यों ट्रांसफर किया जाता है वो इसलिए किया जाता है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल एग्जांपल ठीक है फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल जैसे जियो आया और जियो के लॉन्च होते बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज जो थी वो आपस में मर्ज होने लग गई आपने देखा होगा एक बैंक है आ, पहले बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक होते थे छोटे छोटे फिर क्या किया कुछ को बैंक को बड़ौदा में मर्ज कर लिया कुछ को पंजाब नेशनल बैंक बना दिया तो ऐसा होता है मार्केट का गेन लेने के लिए या कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कई बार जो है कंपनीज का अमाल होता है तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं ठीक है आइए अब हम बात करते हैं कि अमाल जो है उसके मेथड्स कौन से हैं तो यहां पर हमको मेन फोकस जो है प्रक्... जो हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे उसमें जो अमाल गमीशन है ठीक है उस अमाल गमेशन के दो मेथड्स हैं ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस हैं ये अगर ये समझ में आते हैं तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर ये नहीं आएंगे तो वो भी नहीं आएगा तो इसमें एक तो है अमाल गमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर ठीक है और एक है अमाल गमेशन इन नेचर ऑफ परचीज तो एक तो है अमाल गमेशन नेचर ऑफ मर्जर और एक है नेचर ऑफ परचीज अब कब हमको अमाल गमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर मानना है और कब हम परचेज वाला मेथड लगाएंगे कब तो आइए समझते हैं इसको डिटेल के अंदर देखो जी ये जो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर वाला है ना इसको पुलिंग इंटरेस्ट मेथड में यही काम आता आगे मैं आपको जब अकाउंटिंग सिखाऊंगा ना इसकी तो वहां पर एक मेथड आएगा पुलिंग इंटरेस्ट मेथड पुलिंग इंटरेस्ट मेथड वहां पर पुलिंग इंटरेस्ट मेथड के अंदर हमारा यही मेथड काम आएगा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर वाला ही काम आएगा मेथड अगर आपको लगाना है तो इसमें फाइव कंडीशन दे रखी है पांच कंडीशन है ठीक है इसको मान लेते हैं ए मेथड ये हो गया बी तो वहां पर पांच कंडीशन दे रखी है वो आपको आप कंपनी जो है उस पांच कंडीशन को क्या करें सेटिस्फाइड करें उन फाइव कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड कर देती है तो हम जैसे पांच कंडीशन अभी मैं बता दूंगा वन टू थ्री फोर फाइव अगर पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम उसको मानते हैं अमाल इन द नेचर ऑफ मर्जर लेकिन अगर इन पांचों कंडीशन में से ये जो पांच कंडीशन हैं इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन मान लेते हैं ये पूरी हो गई ये नहीं हुई अगर कोई भी एक कंडीशन या एक से ज्यादा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फिर उसको हम बोलते हैं अमाल इन नेचर ऑफ परचेज तो टोटल पांच कंडीशन में अभी बताऊंगा अगर पांचों की पांचों सेटिस्फाइड है तो हम क्या मानेंगे अमाल इन नेचर ऑफ मर्जर अगर उन पांचों में से कोई भी एक या एक से ज्यादा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हम क्या मानेंगे अमाल इन द नेचर ऑफ परचेज देखो जी फाइव कंडीशंस कौन सी है बस आपको ये याद रखना है ये कंडीशंस ही हमें बताएगी कि कौन सा नेचर होगा परचेज या मर्जर तो फर्स्ट कंडीशन है ऑल एसेट्स यह आपको मैं डायग्राम करके बताता हूं ऐसे थ्योरी में नहीं लिखाता हूं ठीक है देखो एक है हमारी आपको बताए ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है जो कंपनी खत्म हो रही है ठीक है ट्रांसफरर कंपनी जो ट्रांसफरर कंपनी है हाँ, वो क्या करेगी अपनी सारी एसेट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर करेगी ट्रांसफरी कंपनी को किसको करेगी ट्रांसफरी कंपनी को अगर आपको ट्रांसफरर कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी में कंफ्यूजन है तो बेटा देख लो समझ लो ट्रांसफरर कंपनी का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वो एक्स और वाई और ट्रांसफरी कंपनी का मतलब मान लेते हैं जेड नई कंपनी न्यू ठीक है और ये ओल्ड है जो क्या होगी खत्म समझ में आ गया तो जब ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस ट्रांसफरी कंपनी में जा रहा होता है तो उस समय ट्रांसफरर कंपनी की सारी एसेट एंड लाइबिलिटी ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी तो ये बिजनेस तो बंद हो रहे हैं ट्रांसफरर कंपनी के इसलिए वो ट्रांसफरर हो रही है खुद तो उसकी सारी एसेट एंड लाइबिलिटी किसकी होनी चाहिए ट्रांसफरर ट्रांसफरी कंपनी की हो जानी चाहिए तो ऑल एसेट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू ट्रांसफरी कंपनी बाय ट्रांसफरर कंपनी तो ट्रांसफरर कंपनी की सारी एसेट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी में ट्रांसफर हो जानी चाहिए तो हस्तांतरित हो जानी चाहिए तो ये है फर्स्ट कंडीशन ठीक है सेकंड है सेकंड कंडीशन जो ट्रांसफरी कंपनी है ट्रांसफरर कंपनी है हाँ उसके शेयर होल्डर होंगे उसके क्या होंगे शेयर होल्डर्स यस ट्रांसफरर कंपनी के क्या होंगे शेयर होल्डर्स हाँ तो वो शेयर होल्डर्स जो है वो 90 परसेंट ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए जो ट्रांसफरर कंपनी है हाँ इसके शेयर होल्डर होंगे हाँ बिल्कुल होंगे कंपनी है तो होंगी वो शेयर होल्डर कितने 90 परसेंट नाइन्टी परसेंट ऑफ ट्रांसफरर कंपनी शेयर होल्डर मस्ट बी ट्रांसफरी कंपनी शेयर होल्डर मान लेते हैं इसके शेयर होल्डर है एक लाख मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए वन लेखन तो लैख का कितना परसेंट 90 परसेंट कम से कम जो ये वन लैख शेयर है ना क्योंकि कंपनी खत्म हो रही है तो वन लैख शेयर होल्डर जो है उसका नाइनटी परसेंट कम से कम नब्बे हजार शेयर होल्डर किसके शेयर होल्डर होने चाहिए ट्रांसफ्री कंपनी के नई वाली कंपनी के पहले पुराने शेयर होल्डर है पुरानी कंपनी में उसमें से 90 परसेंट इस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाने चाहिए ये कंडीशन है अगर सेटिस्फाइड हो गई तो तो फिर आपका कौन सा वाला अमालगमेशन होगा मर्जर वाला अगर इसमें से अभी दो बताई दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो फिर परचेज वाला मैथड लग जाएगा बस इतना ही फर्क है ओके एक तो ये हो गया नेक्स्ट बताता हूं आपको थर्ड थर्ड नंबर है जो ट्रांसफरर कंपनी है हाँ, उसके जो शेयर होल्डर हैं हाँ ठीक है तो उसके शेयर होल्डर्स को जो ट्रांसफरी कंपनी है जो ट्रांसफरी कंपनी है उसके शेयर्स इशू किए जाएंगे समझ में आया कौन से वाले इक्विटी वाले इक्विटी शेयर्स जो ट्रांसफरी कंपनी है नई कंपनी है वो अपने शेयर इशू करेगी किसको जो पुरानी कंपनी है जो खत्म होने वाली कंपनी है जो ट्रांसफर कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स को कौन से शेयर इक्विटी शेयर ओके तो तीन कंडीशन हो गई फोर्थ फोर्थ कंडीशन जो है वो ये बोल रही है कि ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरी कंपनी कंटिन्यू बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी आफ्टर अमाल कमीशन मतलब क्या हुआ माल लेते हैं ये कंपनी है एक्स ये खत्म हो रही है और ये अपना पूरा बिजनेस किसको ट्रांसफर कर रही है वाई लिमिटेड तो वाई होगी न्यू ठीक है ओके तो एक्स कंपनी जो है वो अपना बिजनेस खत्म कर रही है लेकिन सारा का सारा बिजनेस खत्म मतलब वो कंपनी जो है आ, अपना सर्टिफिकेट रद्द कर रही है है ना फैक्ट्री तो चल ही रही है ना फैक्ट्री बंद थोड़ी हुई है बस वो पूरी फैक्ट्री एसेट लाइबिलिटी सारी इसको ट्रांसफर हो जाती है हाँ भाई मतलब इसका बिजनेस पूरा इसके पास आ गया अब ये कंपनी एक्जिस्टिंग कंपनी नहीं रही अब ये कंपनी बन गई ओके तो अब यहां पर ये ये कह रहा है कि वाई लिमिटेड जो है न्यू कंपनी वो इसके बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेगी अमाल गमीशन के बाद जब इसका बिजनेस इसको ट्रांसफर हो जाएगा तो ये उस बिजनेस को उस फैक्ट्री को चलाएगी आगे कंटिन्यू करेगी अगर नहीं करती है तो फिर वो परचेज मेथड लग जाएगा okay. तो ये हो होगी कितनी चार लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ कंडीशन फिर मैं आपको उस पांचों के पांचों एक साथ बता भी दूंगा ठीक है अब देखो जो ट्रांसफरी कंपनी है हाँ जब वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी स फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अपने फाइनल अकाउंट जिसमें बैलेंस शीट हो गया स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल हो गया है ना तो ये ट्रांसफरी कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो उसमें इंक्लूड करेगी क्या इंक्लूड करेगी ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी यानी कि ये कह रहा है कि Y लिमिटेड जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तब एक्स लिमिटेड की सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को इंक्लूड करेगी एट बुक वैल्यू किसपे इंक्लूड करेगी बुक वैल्यू पर आया समझ में तो ये पांच कंडीशन है फर्स्ट क्या है जो भी ट्रांसफर कंपनी है वो अपनी सारी एसेट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफर uh, करेगी सेकंड, जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके 90 परसेंट शेयर होल्डर्स जो है वो नई वाली ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाने चाहिए थर्ड नंबर जो ट्रांसफरी कंपनी है नई वाली कंपनी है वो जो कंपनी खत्म हो रही है उसके शेयर होल्डर्स को अपने इक्विटी शेयर इशू करेगी फोर्थ नंबर जो ट्रांसफरी कंपनी है जो न्यू कंपनी है वो जो कंपनी खत्म हो गई है उसके बिजनेस को कंटिन्यू करेगी आगे बंद नहीं करेगी उसके बिज़नेस को ओके और लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ नंबर जो ट्रांसफरी कंपनी है जो न्यू कंपनी है वो जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तब जो कंपनी खत्म हो गई है उसकी सारी एसेट एंड लाइबिलिटी को अपने फाइनल अकाउंट में फाइनेंशियल अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में पी में एड करेगी और बुक वैल्यू पर ऐड करेगी तो अगर ये पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है कि कोई कंपनी जब अमाल हो हो फाइव की फाइव कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं अमाल इन नेचर ऑफ मर्जर और इन पांचों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो उसको बोलेंगे अमाल इन द नेचर ऑफ परचेज ओके और अमाल इन नेचर ऑफ मर्जर जो है इसको पूलिंग इंटरेस्ट मेथड भी बोला जाता है जब हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं तब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट परचेज कंसिडेशन कैलकुलेट करना उसके चार मेथड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो जरूर अटेंड करना तभी उसके बाद जब हम न्यूमेरिकल करेंगे जनरल एंट्री करेंगे तो आपको समझ में आएगा आई होप आपको अच्छा लगा हो अगर आपके अभी एग्जाम चल रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए कॉमेंट करके बताइएगा तो मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना ही तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू